2017 के हिमाचल प्रदेश चुनाव में सुजानपुर सीट के लिए बीजेपी के सीएम कैंडिडेट और बड़े चेहरों में से एक प्रेम कुमार धूमिल को करारी हार मिली है। बीजेपी पार्टी के लिए ये काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रेम कुमार धूमिल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं प्रेम कुमार के प्रतिद्वंदी वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य अपनी जीत को बरकरार रखते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिमला ग्रामीण सीट से वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य आगे चल रहे हैं, वहीं खुद वीरभद्र सिंह सीट से आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस खुशी को कांग्रेस के कार्यकर्ता मिठाई बांट कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेम कुमार धूमिल हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर से चुनाव लड़ रहे थे और इन्हें कांग्रेस के राजिंदर राणा ने मात दी है। बता दें कि प्रेम कुमार धूमिल दो बार 1998 से मार्च 2003 और 1 जनवरी 2008 से 25 दिसंबर 2012 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक धूमिल की यह हार बीजेपी के लिए संकट बन गई है। बीजेपी ने अपनी जिस रणनीति से धूमिल को सुजानपुर की सीट से उतारा था वो विफल हो गई है। दरअसल बीजेपी भली भांति जानती थी कि सुजानपुर सीट जीतना मुश्किल है, इसी वजह से उन्होंने इस बार धूमिल को हमीरपुर की बजाय सुजानपुर से मैदान में उतारा था। उस समय बताया जा रहा था कि प्रेम कुमार के समर्थक इस बात से काफी खफा थे क्योंकि धूमिल ने 2012 के विधानसभा चुनाव में हमीरपुर से 9302 वोटों के बड़े अंतराल से जीत दर्ज की थी। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।